सौ प्रकाश वर्ष दूर एक पृथ्वी जैसा ग्रह हमारे सूरज जैसे एक तारे का चक्कर लगाता है। क्या सुदूर दुनिया की सतह पर भी जीवन हो सकता है? मानव का हमेशा से एक सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अपने ग्रह के करीब हम बर्फीली गुफाओं वाले चांद पहले ही खोज चुके हैं और छिपे हुए सागर भी। वो किन रहस्यों को समेटे हैं? जो बातें एक साल पहले साइंस फिक्शन लगती थी वो अब हकीकत है। इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों का खुलासा करने हम इसके कोर तक जाएंगे, उनके छिपे हुए महासागरों में गोता लगाएंगे और इसकी ऊपरी परत को हटाकर देखेंगे और ब्रह्मांड की सबसे अनोखी जगहों के रहस्यों को सुलझाएंगे। स्ट्रिप्ड कॉस्मोस। आज पूरे ग्रह पर अनदेखी दुनिया की खोज चल रही है। उच्च शक्ति के टेलीस्कोप्स रात में आसमान को खंगालते रहते हैं। रॉकेट उड़ान भर चुका है। प्रोब्स अनोखे चांद और ग्रहों की खोज करते रहते हैं, जबकि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों को खोजते हैं। मानव शुरू से ही ये जानना चाहता है कि पहाड़ी के पार क्या है, समुद्र के पार क्या है और ग्रह के पार क्या है। जब वैज्ञानिक गहरे अंतरिक्ष में अनदेखी दुनिया की खोज करते हैं, वो हमारे अपने ग्रह के रहस्यों के बारे में भी सोचते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन का वजूद हो सकता है वहाँ जीवन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहाँ जीवन है? अनदेखी दुनियाओं की खोज वैज्ञानिकों को अज्ञात में ले जाती है। वो हमारे सौर मंडल की गहराइयों को खंगालते हैं, जहां जमे हुए चांद अंतरिक्ष में बर्फ फेंकते हैं और महासागर छिपे रहते हैं। अंतरिक्ष जांच मोटे बादलों के पीछे छिपी अनोखी दुनियाओं से पर्दा हटाती है, जहां दिखाई देते हैं प्रचंड बर्फीले इलाके और तरल मीथेन की झीलें। एस्ट्रोनॉमर्स आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करते हैं। अनदेखी सभ्यताओं से आने वाले संदेशों को सुनते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। गैलेक्सी बहुत बड़ी है, ये इतनी बड़ी है कि हमारी सोच छोटी पड़ जाती है। अनदेखी दुनिया खोजने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने सौर मंडल के बीच में ही एक सही उम्मीदवार है, एक अनोखी बर्फीली दुनिया। शनि के बाहरी छल्लों के बीच छिपी हुई है इंसेलेडस, एक छोटा जमा हुआ चांद जिसका आकार करीब 183,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी बर्फीली सतह सूरज की रोशनी आईने की तरह रिफ्लेक्ट करती है। ये बर्फ करीब 96 किलोमीटर नीचे तक फैली है। गहराई में चांद के पथरीले कोर की तरफ सूरज की पहुंच से बहुत दूर, क्या इस अनदेखी दुनिया के अंधेरे में जीवन हो सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी पर बेहद कठिन जगहों की पड़ताल करते हैं। इंसेलेडस बिल्कुल वैसा ही है। डॉन एडवर्ड्स नेचर रिफ्यूज नमक का सूखा हुआ दलदल है। यहाँ 2 इंच मोटा नमक का खोल सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक देता है और इससे नीचे घुप अंधकार बना रहता है। हम जिन दूसरी दुनियाओं में दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे सौर मंडल में है और ऊपरी सतह के नीचे ही हमें जीवन मिलने की संभावना है। नासा के वैज्ञानिक क्रिस मिके ऐसे जीवन की खोज करते हैं जो अंधेरे में रहता है,
मिथेनोजेंस, वो नन्हे माइक्रोब्स हैं जो अंदर जमीन में फलते फूलते हैं। ये 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर प्रकट होने वाले पहले जीव में से थे। ये जीवन के खुद को ढालने और पनपने के सटीक उदाहरण हैं। पृथ्वी पर जहां भी मिथेनोजेंस मिलते हैं मुझे उनमें दिलचस्पी रहती है। उन्हें ऑक्सीजन पसंद नहीं, वो हाइड्रोजन लेते हैं। उन्हें सूरज की रोशनी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, वो बहुत गहराई में सतह के नीचे रहते हैं। ये दूसरी दुनिया पर माइक्रो एस्ट्रोनॉट्स के लिए मेरे पसंदीदा जीव है। क्रिस नमक की ऊपरी परत के नीचे मिथेनोजेंस के नमूने ढूंढते हैं, इंसेलेडस की बारीकी से जांच करते हैं। ये अनदेखी दुनिया और भी अनजानी लगती है। ऊपर सतह का तापमान 0 से 333 डिग्री नीचे होता है, तो यहाँ सारा पानी पूरी तरह जमा होना चाहिए, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर ये टाइगर स्ट्राइप्स एक पानी की अनोखी दुनिया की तरफ ले जाती है। बर्फीली सतह में ये बड़ी दरारें अंदर छुपे विशाल नमक के महासागर की तरफ ले जाती हैं। हाइड्रोजन से भरपूर ये मिथेनोजेन का सबसे बढ़िया खाना है। ये इस नमकीन पानी में फलते फूलते हैं। जब इंसेलेडस शनि के चक्कर लगाता है तो ग्रह के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से बर्फीली घाटियों में फासला आ जाता है और महासागर का पानी बाहर निकल जाता है और टाइगर स्ट्राइप से विशाल बर्फीले फव्वारे छोड़ता है। मार्च 2012 में वैज्ञानिकों ने एनसेलेडस के इन फव्वारों पर कसीनी सैटेलाइट को संचालित किया। सैटेलाइट के उपकरणों को कार्बन के सामान्य मॉलिक्यूल्स के निशान मिले जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्रिस मके फव्वारों के नमूने पृथ्वी पर लाने के लिए एक मिशन की योजना बना रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो मिथेनोजेन से भरे होंगे। मुझे लगता है कि इंसेलेडस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मटेरियल सीधा अंतरिक्ष में आता है। हमें ड्रिल नहीं करना होता, खुदाई नहीं करनी होती, खोजना नहीं पड़ता, बस उसके ऊपर से उड़ना है, पकड़ना है और वापस लाना है। ये बहुत शानदार है, यहाँ बहुत सारे मुफ्त नमूने हैं, कोई भी ले लो। ये बर्फीले विस्फोट इस अनोखी दुनिया से मलबे को शनि की कक्षा में छोड़ देते हैं। टाइगर स्ट्राइप से बाहर आता हुआ पानी तुरंत जम जाता है और इंसेलेडस के ऊपर आसमान में सैकड़ों मील तक जाता है। बर्फ के कुछ कण चांद के कम गुरुत्वाकर्षण से निकल आते हैं और बहते हुए शनि का बाहरी छल्ला बनाते हैं। अगर इंसेलेडस पर जीवन है तो क्या ये निकल सकते हैं और शनि से होते हुए पूरी गैलेक्सी में फैल सकते हैं? जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष की ओर गहराइयों में देखते हैं तो नई दुनियाएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ फिजिक्स के सिद्धांत समान हैं, समान केमिस्ट्री है और हर जगह एक जैसे पदार्थों का कॉम्पोजिशन है। पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ जीवन की संभावनाएं हैं। लेकिन हर अनदेखी दुनिया के अपने नए रहस्य होते हैं। क्या चांद में छिपी हुई बर्फ की एक गुफा में भी नए तरह का जीवन हो सकता है? पूरे ग्रह पर वैज्ञानिक अनदेखी दुनिया की खोज में रात को आसमान खंगालते हैं। वो खोज करते हैं ऐसे कीमती लिक्विड के सबूतों की जो बंजर धरती को भी फलते फूलते इकोसिस्टम में बदल दे। वो है पानी। पृथ्वी पर कई तरह का जीवन है। ना हर जीवन के रूप को ऑक्सीजन चाहिए, ना ही सबको सूरज की रोशनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर हर एक जीव को तरल पानी की जरूरत है। हमारे बाहरी सौर मंडल में हर तरफ पानी है, पर हमें ये ज्यादातर कॉमेट्स और चांद पर बर्फ के रूप में मिलता है। इन जमे हुए इलाकों में हमेशा ही ठंड रहती है और इनका तापमान उत्तरी ध्रुव की सर्दियों से 10 गुना ठंडा होता है, लेकिन जीवन अब भी बर्फ के क्रिस्टल्स में छुपा हो सकता है।
क्योंकि एक ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, बहुत ठंडा भी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ जीवन ना हो, बल्कि अगर आप अपने ग्रह के बारे में सोचें, ग्रह पर एवोल्यूशन ने जीवन के वजूद के लिए किसी तरह का सहारा ढूंढ लिया है। पृथ्वी पर जीवन ने ठंड का सामना करने का रास्ता निकाला है। वॉशिंगटन के नॉर्थ कैस्केड माउंटेन्स पर मैदान पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। ये मेरा अहाता है और यहाँ वॉशिंगटन के नॉर्थ कैस्केड्स में सचमुच गहरा बर्फीला रास्ता है। मैं हर जगह अपने डॉगी को साथ ले जाती हूँ, उसे बर्फ बहुत पसंद है। प्रोफेसर रॉबिन गार्डनर ऐसे जीवन की खोज करती हैं जो इस जमी हुई दुनिया में मुश्किलों को चुनौती दे सके। पृथ्वी पर जीवन कई अरबों साल के एवोल्यूशन का नतीजा है, ये जानना नामुमकिन है कि सौर मंडल और उससे परे दूसरी जगहों पर जीवन कैसा होता होगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर उन जगहों पर जाएं जहां के एक जैसे हालात हों और देखें कि वहां जीवन कैसा है। रॉबिन ऐसे जीवन की तलाश कर रही हैं जो हमारे सौर मंडल के बर्फीले चांद पर रह सकें। यूरोपा बृहस्पति के चक्कर लगाते 67 चांद में से एक है। सतह का तापमान 0 से 370 डिग्री नीचे तक गिर जाता है। सतह बहुत ही सख्त बर्फ से ढक जाती है, लेकिन पूरी सतह पर अजीबोगरीब निशान अंदर चल रही हलचल को बयां करते हैं। बाहरी सख्त खोल के ठीक नीचे नर्म बर्फ की एक परत लगातार बहती रहती है। हल्का करंट जीवन देने वाले खनिजों को चांद पर घुमाता रहता है। इससे एक उपजाऊ वातावरण पैदा होता है जिससे जीवन को फायदा मिल सकता है। माउंट बेकर पर रॉबिन उस तरह का जीवन ढूंढती है जो यूरोपा पर भी हो सकता है। मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। अरे वाह, गुलाबी बर्फ। तो यहाँ पर स्नो एल्जी रह रही हैं। रॉबिन की इस एल्जी को क्लैमिडोमिनस निवेलिस कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में इसे वाटरमेलन स्नो कहते हैं। उन पौधों से अलग जिन्हें बढ़ने के लिए मिट्टी चाहिए, एल्जी जमे हुए पानी के क्रिस्टल्स पर भी फल फूल सकती हैं। वो एक गुलाबी सनस्क्रीन पैदा करती है जो उन्हें सूरज की तेज रोशनी से बचाती है। ये सतह के ठीक नीचे थोड़ी गुलाबी सी होती है, ये बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे मैं नीचे खोद रही हूँ, ये और गुलाबी होती जा रही है, और इसलिए एल्जी के हालात सतह के नीचे और भी ज्यादा अच्छे हैं। माउंट बेकर एल्जी सर्दी में 0 से 14 डिग्री नीचे के तापमान में जिंदा रह सकती है। यूरोपा की सतह पूरे साल 20 गुना ज्यादा ठंडी रहती है, लेकिन सतह से करीब 3 किलोमीटर नीचे एक बर्फीली गुफा में बड़ी झीलों से भी ज्यादा पानी जमा है। पानी में नमक एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। सतह से 32 किलोमीटर नीचे लैंडस्केप फिर से बदलता है। बर्फ एक छिपे हुए महासागर में खुलती है। इसमें पृथ्वी के सारे समुद्रों के पानी का दुगना पानी है और उनसे 10 गुना ज्यादा गहरा है। यहाँ किस तरह का जीवन हो सकता है? यहाँ सिर्फ नमूने लेने से ही हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये यहाँ कैसे पनप रही हैं, और तब ये हमारे लिए इसे ग्रह के बाहर ढूंढने की कुछ संभावनाएं खोल देता है। माउंट बेकर की एल्जी ने जमी हुई दुनिया में जीने के लिए खुद को ढाल लिया है। अगर ये समूह बसंत के गर्म वातावरण और गहरे हाइड्रोथर्मल वेंट वातावरण, बर्फीले वातावरण या फिर सूखे एंटार्क्टिक के रेगिस्तान में मिलते हैं, तो ये वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। ओ स्नो एल्जी, तुम्हारा जवाब नहीं। रॉबिन की एल्जी पृथ्वी पर हर वातावरण में जिंदा रहती हैं। अपनी लैब में रॉबिन अपने लाए नमूनों की जांच करती हैं।
नमूनों में जीवन भरा पड़ा है। उन्हें अब वो सबूत चाहिए जिनसे ये पता लग सके कि कैसे एल्जी विकसित हुई और पहाड़ी वातावरण में फलने फूलने के लिए खुद को ढाला। इससे ये भी पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन ने बेहद मुश्किल वातावरणों को झेलने के लिए खुद को ढालने के कितने तरीके अपनाए। और ये जो गुलाबी सा हम देख रहे हैं, इस एल्जी में बहुत बड़े और मोटे सेल वॉल्स दिखाई दे रहे हैं। मोटी सेल वॉल एल्जी सेल्स को बहुत कम तापमान पर भी जिंदा रहने में मदद करती हैं। पृथ्वी पर जीवन में इतनी भिन्नता है कि ये किसी भी इकोलॉजिकल जगह को भर देती है। तो अगर यूरोप के महासागर में भी जीवन है तो हमें वहाँ कोई एक चीज नहीं मिलेगी। वहाँ अलग अलग तरह के फलते फूलते समुदाय मिलने की संभावना है। पृथ्वी पर जीवन पानी के आसपास विकसित हुआ और हम ये जानते हैं कि अगर हम जीवन के आगे कैसी भी परिस्थिति पैदा कर दें, वो उसका फायदा उठाने के लिए रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह जीवन के नियम एक से हों, इसलिए कहीं और जीवन की खोज करना काफी दिलचस्प होगा। वैज्ञानिकों को एक नया ग्रह मिला है जहाँ इस तरह की एल्जी पनप सकती है। पृथ्वी का ये करीबी ग्रह 16 प्रकाश वर्ष दूर है। GJ832C पृथ्वी जैसी दुनिया हो सकता है जहां हालात हमेशा बदलते रहते हैं। ग्रह की कक्षा इतनी तंग है कि इसे पूरा होने में 36 दिन लगते हैं। इस ग्रह पर जीवन को बहुत जल्द खुद को ढालना होगा क्योंकि यहां पर हर महीने सर्दियां पूरे ग्रह पर छा जाती हैं। हम जितना खोजते हैं हमें उतनी ही नई अजीबोगरीब दुनिया मिलती है। शनि के चक्कर लगाने वाला एक चांद नारंगी रंग के वातावरण के पीछे छुपा रहता है। इसकी सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन हालिया मिशन ने एक प्रोब इस चांद की सतह पर भेजा है। हमारी पहली नजर टाइटन की सतह पर पड़ी और वो कितनी चौंकाने वाली थी, कितना शानदार था। उसके नीचे छिपा था एक अनदेखा वातावरण जिसमें एक ऐसी दुनिया थी जो पूरे सौर मंडल में कहीं नहीं है। ये नारंगी रंग की फूली हुई गेंद सौर मंडल की सबसे अनदेखी दुनिया है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चांद है। ये बुध ग्रह से बड़ा है। अंतरिक्ष से देखने पर यह पृथ्वी जैसा जरा भी नहीं लगता, लेकिन पास से टाइटन पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। टाइटन के वातावरण में ज्यादातर नाइट्रोजन है। ये अजीबोगरीब समानता है, इससे हमें लगा कि टाइटन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। सन 2005 में वैज्ञानिकों ने हाइगन्स प्रोब टाइटन की सतह पर भेजा। जो तस्वीरें उसने भेजी उसमें बेहद चौंकाने वाले जियोग्राफिकल लक्षण थे। ने टाइटन के मोटे नारंगी रंग के वातावरण के पीछे का रहस्य खोला। हमारे सौर मंडल में कुछ बहुत ही अजीब। टाइटन की सतह पर झीलों का एक जाल था, पर कौन सी चीज शून्य से 290 डिग्री नीचे लिक्विड रह सकती है? यह है लिक्विड मीथेन का समंदर। पृथ्वी के पानी की जगह वहाँ पर मीथेन ने ली हुई है। ये भाप बनकर टाइटन के वातावरण में चला जाता है, दूसरी जगह पर जाकर बरसता है, फिर इससे नदी और झरने बनते हैं जो बाद में झील में मिल जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। ये यूटा की पावल झील है। खड़ी चट्टानों की एक बाढ़ घाटी के चारों ओर है। यहाँ का नजारा टाइटन की झील और घाटियों की नकल है। रेल्फ लोरेंस टाइटन की झील को समझने के लिए स्पेस प्रोब्स बनाते हैं। ये जांच करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पानी के किनारे पर चट्टाने शाखाओं के आकार की हैं और टाइटन पर भी ठीक ऐसा ही है। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी को छोड़कर टाइटन ही ऐसी जगह है जहाँ मानव बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सबसे ज्यादा देर तक जी सकता है। आप एक मिनट तक सांस रोक सकते हैं और फिर कुछ देर बाद आप जमकर मर जाएंगे, पर कहीं और तो आप इतना भी नहीं कर सकते। टाइटन के मीथेन के समंदर इस अनदेखी दुनिया में जीवन के बारे में बता सकते हैं। उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमें सही तकनीक चाहिए। आज रेल्फ एक सोनार प्रोब को टेस्ट कर रहे हैं। इसे टाइटन के समुद्र तल को स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे एक विस्तृत नक्शा बनाया जा सके।
हम जानते हैं कि जीवन को तरल पानी चाहिए। टाइटन पर यह मुमकिन है कि जीवन की प्रक्रिया बिना पानी वाले तरल में यानी मीथेन के समुद्र में शुरू हो सकती है। हम टाइटन के समुद्र को थ्री डायमेंशनल बनावट में समझना चाहते हैं। हम सोनार की मदद से ऐसा कर सकते हैं जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। ये एक ओसिलोस्कोप है जिससे हम सिग्नल देखते हैं। ये जो है ये असली सोनार ट्रांसड्यूसर है जिसे हम टाइटन पर भेजेंगे। रेल्फिस तक ये एक ओसिलोस्कोप है जिससे हम सिग्नल देखते हैं। ये जो है ये असली सोनार ट्रांसड्यूसर है जिसे हम टाइटन पर भेजेंगे। रेल्फ इस तकनीक में माहिर हैं, जो टाइटन पर भेजी जाएगी। इनके उपकरण मजबूत, छोटे और हल्के होने चाहिए, जो एक स्पेस प्रोब में आसानी से सफर कर सकें। सोनार आवाज की एक पल्स भेजता है और गूंज को वापस आने में जितना समय लगता है उससे हम समझ लेते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। रेल्फ जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं कि टाइटन की जियोलॉजी पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। हाइगन्स प्रोब ने यह खोज निकाला है कि एक चट्टान नुमा परिदृश्य जो नजर आता है वो पूरी तरह बर्फ से बना है। वैज्ञानिकों को इसकी गहराई में एक इंजन मिला है जो टाइटन के लक्षण बनाता है। अमोनिया युक्त तरल पानी की विशाल पॉकेट्स अंदर भारी दबाव में हैं। पृथ्वी पर मैग्मा की तरह ये बेहद ठंडा तरल चांद की सतह को दरारों के जरिए तोड़ सकता है और विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं और बर्फीले लावा की नदियां बह सकती हैं। इन बर्फीले ज्वालामुखियों की मदद से ही टाइटन पर पहाड़, घाटियां और समुद्र बने होंगे। टाइटन का परिदृश्य बेहद जटिल है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वैसे ही बना है जैसे कि पृथ्वी बनी। रेल्फ का अगला प्रोब टाइटन पर वेदर सेंसर्स और मास स्पेक्ट्रोमीटर लेकर जाएगा जो मीथेन के समंदर की केमिस्ट्री की छानबीन करेंगे, लेकिन इनके सोनार उपकरण को स्वतंत्र रूप से चलाना पड़ेगा जब वो समुद्र तल को स्कैन करता है। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि हमने सोचा था। अगला कदम होगा सेंसर को स्वतंत्र रूप से तैर रहे कैप्सूल से जोड़ना और ये देखना कि हम कैसे समुद्र में बहते हुए एक प्रोफाइल बनाएंगे। टाइटन पृथ्वी जैसा दिखता है लेकिन उससे बहुत अलग है। वो मीथेन पर निर्भर है और वहाँ बहुत ठंड है। वहाँ का वातावरण बहुत अलग है, फिर भी हम सोचते हैं कि जीवन के लिए वहाँ परिस्थितियाँ शायद ठीक हो सकती हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाली अनदेखी दुनिया में से टाइटन ही सबसे ज्यादा जटिल और दिलचस्प है और एक दिन ये हमारे सौर मंडल की सबसे ज्यादा रहने लायक जगह बनेगी। 5 अरब साल में हमारा सूरज एक लाल दानव के रूप में फैल जाएगा और पृथ्वी को भस्म कर देगा। लेकिन टाइटन पर इस मरते हुए सूरज की सबसे कम यूवी रेडिएशन पड़ेगी। घने कोहरे वाला वातावरण साफ हो जाएगा और सूरज की रोशनी साफ आने लगेगी। सतह का तापमान बढ़ जाएगा और बर्फ पिघल जाएगी। ये चांद हजारों लाखों सालों के लिए शुरुआती पृथ्वी जैसा बन जाएगा और जीवन को उभरने में अच्छा खासा समय लगेगा। हमारे सौर मंडल ने अनोखी दुनिया से पर्दा उठाया है जिनके अनदेखे ठिकाने हैं। अगर ये अजूबे हमारे ग्रह से इतना करीब हैं, तो हमारे करीबी तारों के आसपास कितने रहस्य घूम रहे होंगे। मैं ऊपर आसमान की तरफ देखती हूँ और मैं तारों को बहुत देर तक नहीं देखती, मैं सौर मंडल को देखती हूँ। एक तारा चुने, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। क्या ये सुदूर अनदेखी दुनिया पृथ्वी की तरह हो सकती है? अब जब हमें अपने बहुत करीब ही ये अनदेखी दुनिया मिल गई है, तो वैज्ञानिक अपनी खोज को गैलेक्सी में भी थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। आकाशगंगा की गहराइयों में तारों के चक्कर लगाती हुई अनदेखी दुनिया को खोज रहे हैं। 5, 4, 3, सन 2009 में 2,
नासा ने अपनी खोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए 6000 लाख डॉलर की लागत का केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। लिफ्ट ऑफ। केपलर से पहले हमें पता नहीं था कि तारों के किस खंड में ग्रह थे। केपलर में पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजे जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप मिरर है और इसका मिशन है उन ग्रहों की खोज करना जो सुदूर तारों के चक्कर लगाते हैं। हम नहीं जानते थे कि तारों के बनने के बाद इतना मलबा बचा कि वो इकट्ठा होकर ग्रह बन गए। केपलर ने अब तक करीब 1000 ग्रहों की खोज की है। तादाद के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी गैलेक्सी के लगभग सभी तारे जिन्हें आप रात में देखते हैं, ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के ढूंढे गए 21 ग्रह जो सही दूरी पर अपने तारों के चक्कर लगाते हैं, उनकी जलवायु पृथ्वी जैसी है और शायद वहां जीवन से भरपूर महासागर भी हों। एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसा सौर मंडल मिला है जो संभावनाओं से भरा है। केपलर 186 एक तारा है जो पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों को इसकी कक्षा में 5 ग्रह मिले हैं। इनमें से 4 इतने गर्म हैं कि इनकी सतह पर तरल पानी नहीं हो सकता, लेकिन 5वें पर जीवन होने की संभावना है। ये पृथ्वी का जुड़वां ग्रह हो सकता है, लेकिन इसके तारे की चमक इतनी ज्यादा है कि अंतरिक्ष के टेलीस्कोप्स इस ग्रह की तस्वीरें नहीं ले सकते। कैलिफोर्निया के पैसाडीना में इन छिपी हुई अनदेखी दुनियाओं को देखने के लिए इंजीनियर्स एक अनोखा अंतरिक्ष यान डिजाइन कर रहे हैं। जिन वैज्ञानिकों के साथ मैं काम करता हूं वो कोलंबस जैसे हैं और मैं उनकी बोट बना रहा हूं। मार्क थॉम्सन नासा के स्टार शेड प्रोजेक्ट के लीडर हैं। अंतरिक्ष में उड़कर ये विशाल पाल एक विशाल काय छतरी जैसे खुल जाएगा और तारे से आने वाली रोशनी को रोकेगा। ये अपना हाथ आसमान के सामने उठाने जैसा है जिससे हम सूरज के आसपास देख सकते हैं। अब तक जितनी खोज की गई उनके माप सीधे नहीं लिए गए थे, इससे हम उन ग्रहों को सीधे देख पाएंगे। मार्क के दल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज पहली बार वो स्टार शेड प्रोटोटाइप को टेस्ट करेंगे। ओके। एक सटीक छाया बनाने के लिए स्टार शेड को अपनी फॉइल की पंखुड़ियों को बिल्कुल गोलाई में खोलना होगा। क्रिस्टीन जरा बटन दबाओगी? ओके, मोटर ऑन है। जैसे ये छोटे क्लिप्स को खींचकर छोड़ता है, यहाँ वहां झटका आ जाता है, अजीब अजीब चीजें होने लगती है। ये क्या था? ठीक है, यहां थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मुड़ गया है। चलो हो गया। ओहो, चलिए, मोटर के स्पीड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी। ओके, बढ़िया है, ये खुल गया। वैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, एक छड़ टूट गई थी और रस्सी में रुकावट आ गई थी। हम इसीलिए इस तरह के टेस्ट करते हैं और अगली बार हम इन चीजों को सुधार लेंगे और फिर आजमाएंगे। ये प्रोटोटाइप एक स्केल मॉडल है, असली स्टार शेड इससे दुगना बड़ा होगा। उस तारे को ढकने के लिए ये अपने पेरेंट टेलीस्कोप से करीब 37,000 किलोमीटर दूर उड़कर जाएगा। जो ग्रह सुदूर तारों के चक्कर लगाते हैं वो आखिरकार दिखाई देंगे। स्टार शेड गैलेक्सी के कुछ सबसे अजीबोगरीब ग्रहों के रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जैसे ग्लीसा 163C। इसके पास है एक ठंडा लाल छोटा तारा, जिसका मतलब है कि जीवन के लिए तापमान बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन तारे का भारी गुरुत्वाकर्षण ग्लीसे का घूमना रोक देता है, जो जलवायु पर काफी अजीब असर डाल सकता है। एक तरफ झुलसाने वाला बंजर रेगिस्तान और दूसरी तरफ घुप अंधेरे में सब कुछ जमा हुआ।
और दोनों ही विकट परिस्थितियों के बीच एक पतली सी पट्टी है जो प्रचंड तूफानों में घिरी रहती है। किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना स्टारशेड के दल को हौसला देती है। हमारे सारे प्लानिंग सेंटर्स की करीब 10 साल की समय सीमा है। हमारा अगला कदम है इस पर एक विशाल चादर ढकना, जिससे ये ओपेक हो जाए ताकि दूर के तारे की रोशनी इसके पार न जा पाए। हमें अभी बहुत सारा काम करना है, लेकिन आज का टेस्ट कामयाब रहा और दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। स्टारशेड की ढूंढी हुई हर नई दुनिया अनदेखे जीवन को सहारा नहीं देगी। जो ग्रह उनके तारे के बहुत करीब गए वो बेहद कठिन दुनिया बन गए। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह 55 कैनक्री ई सूरज जैसे तारे को लगभग छूता है। तारे से निकलने वाली गर्मी ग्रह का तापमान 3000 डिग्री तक बढ़ा देती है। ग्रेफाइट की एक परत पूरी सतह को ढक लेती है और इस सख्त चादर के नीचे जबरदस्त दबाव ने कार्बन को हीरे में बदल दिया है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को ढूंढते हैं जो पृथ्वी जैसे होते हैं, जिनकी सतह पर पानी हो, लेकिन पृथ्वी भी अपने वातावरण में एक रहस्य छुपाए हुए है। आकाशगंगा में तारे रोशनी और गर्माहट देते हैं, जिससे उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर बसे जीवन को सहारा मिल सके। लेकिन तारे हमारे सूरज की ही तरह खतरनाक भी होते हैं। सूरज हमारे सौर मंडल की सबसे ज्यादा प्रचंड और नाटकीय चीज है। सूरज एक विशालकाय न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये पृथ्वी की तरफ भयंकर रेडिएशन उगलता है। चार्ज्ड कणों की एक लगातार झड़ी, जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये असल में जबरदस्त ऊर्जा वाले कण हैं और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से टकराते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। ये हमारा डीएनए भी तोड़ सकते हैं, जिससे नुकसान और म्यूटेशंस होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के इस घातक हमले से बचने की वजह सतह से करीब 2900 किलोमीटर अंदर छुपी है। पृथ्वी का कोर एक पिघली हुई धातु की गेंद है जो करीब चांद से दुगना बड़ा है। अंदर गहराई में जबरदस्त दबाव एक और कोर बनाता है जो सख्त है। जब धातु के ये दो विशालकाय गोले आपस में रगड़ते हैं तो विशाल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो पृथ्वी से होकर अंतरिक्ष तक बहता है। ये विशाल फोर्स फील्ड हमारे ग्रह को समेट लेता है और घातक सोलर रेडिएशन से हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बिना जीवन नामुमकिन होता। सैन फ्रांसिस्को बे की एक पहाड़ी की चोटी पर स्पेस साइंस लैब है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पड़ताल करने के लिए ब्रायन वॉल्श 5 सैटेलाइट्स के एक जाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे थेमिस कहा जाता है। हम थेमिस स्पेसक्राफ्ट की मदद से कुछ डाउनलिंक्स देखते हैं। हमारे पास बहुत कम समय होता है, हम हर कक्षा में अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क में रह सकते हैं। थेमिस सैटेलाइट्स वातावरण की सबसे ऊपरी परत के ऊपर घूमते हैं। ये हर 23 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसके 4 82 फुट लंबे एंटीनाज होते हैं, जिसकी बदौलत ब्रायन का दल ये नापता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूरज के विस्फोटों से किस तरह व्यवहार करता है। इस तरह के एक संपर्क करने की समय सीमा करीब 50 मिनट की होती है और हम यहाँ इस डिश के जरिए संपर्क बना सकते हैं। दल को सैटेलाइट्स डेटा डाउनलोड करके इसका मिजाज देखना होता है। अब हम थेमिस से संपर्क बनाने के लिए संपर्क की समय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हम बर्कली ग्राउंड स्टेशन से काफी करीब हैं और इस जगह पर ये लाल आकार वो जगह है
जहां हम यान से संपर्क कर पाएंगे। हमें सारा डेटा ले लेना चाहिए। शानदार, बहुत खूब। एक अनदेखी दुनिया पर जीवन को फलने फूलने के लिए अपने तारे से हिफाजत चाहिए, वही हिफाजत जो यहाँ पृथ्वी पर है। दशकों से हम ये सोचते आए हैं कि वो एक तरह से सूरज के पंचिंग बैग हैं, और जब सूरज की सतह पर कोई धमाका होता है ये सारा मटेरियल बाहर पूरे सौर मंडल में बिखर जाता है और पृथ्वी पर और उसके चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है। और ये थोड़ी चिंता वाली बात है, हम सूरज के बहुत करीब हैं। लेकिन हाल ही में हमें थेमिस की मदद से बहुत ही दिलचस्प नतीजे मिले हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी के पास अपना खुद का संरक्षण है। पृथ्वी सोलर पंच का इंतजार नहीं करती, इसके पास एक जबरदस्त हथियार है। जैसे ही यूवी लाइट वायुमंडल से टकराती है वो चार्ज्ड गैस की एक पतली परत बनाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरे ग्रह के चारों ओर एक बड़े डोनट के आकार का छल्ला बनाता है। जब सूरज से कोई सोलर स्टॉर्म आता है छल्ले में सबसे ज्यादा चार्ज्ड कण अपनी जगह बदलने लगते हैं। ये आपस में जुड़कर एक विशाल तंतु बनाते हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचकर सोलर ब्लास्ट से टकराता है और रेडिएशन को कम कर देता है। इसलिए हम इसका सामना कर सकते हैं, ये बहुत रोमांचक है। जीवन का वो रूप जिसे हम जानते हैं वो बिना चुंबकीय क्षेत्र के जिंदा नहीं रह पाता जो उसकी रेडिएशन से हिफाजत करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के पास भी कभी जीवन सुरक्षित रखने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन 4 अरब साल पहले वो गायब हो गया। पृथ्वी के बनने से पहले शायद मंगल ग्रह भी पृथ्वी जैसा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सोलर विंड की वजह से वायुमंडल खत्म हो गया। बहुत विशाल पैमाने पर एक भयानक जलवायु बदलाव हुआ। मुझे नहीं लगता कि उस बड़ी घटना के बाद कोई जिंदा भी बचा होगा। हमारे सौर मंडल में सूरज अनदेखी दुनिया पर भी हमला करता है, लेकिन यूरोपा की तरह छोटे चांद शायद ही अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बना पाते हैं। फिर वहां जीवन कैसे संभव है? अपनी हिफाजत के लिए यूरोपा किसी और बड़ी चीज पर भरोसा करता है, अपने पेरेंट ग्रह बृहस्पति पर, जिसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो ग्रह से 30 लाख किलोमीटर दूर तक फैला है। इसकी शक्ति यूरोपा तक पहुंच जाती है, जो चांद के चारों ओर एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करती है। जीवन को पनपने के लिए जरूरी तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं: एक चुंबकीय क्षेत्र, तरल पानी और सांस लेने लायक वातावरण। क्या हमारी गैलेक्सी के किसी और ग्रह पर भी ऐसा जादुई मेल है? क्या एक बेहतर जीवन वहां विकसित हो सकता है? हमने उन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ये नहीं कि वहाँ जीवन है या नहीं, बल्कि वहाँ आखिरकार सभ्यताएं भी हो सकती हैं जहाँ हम उन्हें ढूंढते हैं। अगर ये सभ्यताएं मौजूद हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा? ये ऐसा था जैसे आप रात को बाहर जाएं और आसमान की तरफ देखें तो आपको बिल्कुल पता नहीं था कि तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पर अब हमें पता है कि बहुत से तारों के पास कई ग्रह हैं, उनके पास भी हमारे ही जैसा सौर मंडल है। ऐसी संभावना है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन हर जगह मौजूद है। पृथ्वी के बाहर जीवन है, इसकी क्या संभावना है? हमारी गैलेक्सी की स्टेलर नर्सरीज हर वक्त नए तारे और अनदेखी दुनिया बनाती रहती हैं। हमारी गैलेक्सी में करीब 400 अरब तारे हैं, जिनमें असंख्य ग्रह भी हैं। और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इनकी जबरदस्त तादाद होने से जीवन होने की संभावना तो है, पर वो बेहतर जीवन भी हो सकता है। शायद उसकी अलग अलग रूप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं हकीकत उससे कहीं ज्यादा शानदार होने वाली है। एक बेहतर सभ्यता शायद कोई संकेत पृथ्वी पर भेजे।
ये सैटी इंस्टीट्यूट है। विशाल टेलीस्कोप का एक समूह अनदेखी दुनिया से आने वाले संकेतों को सुनता है। सैटी, इसका मतलब है सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो ऐसे जीवन को ढूंढ रही है जो बेहतर हो और समझदार हो जैसे कि इंसान। सेथ सॉस्टैक मिशन के इंचार्ज हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे एलियंस की फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी थी, बिल्कुल ऐसी ही दिलचस्पी डायनासोर्स में भी थी। 42 छोटी डिशों का एक जाल आसमान को टटोलने के लिए एक साथ काम करता है। हम आसमान में जहां भी रुख करें, हम आमतौर पर कुछ अरब चैनल्स की जांच करते हैं, क्योंकि ईटी ने हमें कभी ऐसा ईमेल नहीं भेजा कि हम उन्हें इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ये चीजें सिर्फ 6 मीटर या 20 फुट चौड़ी हैं, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। अगर 1 वाट के 1 अरबवे हिस्से का भी कोई संकेत पूरी पृथ्वी पर आ रहा है तो ये उसे बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मंगल ग्रह पर मौजूद कार के दरवाजे को आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो। अगर हमारी गैलेक्सी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है तो 100 अरब दूसरी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम देखते हैं। इनके ग्रहों की संख्या भी हमारे सोलर सिस्टम के लगभग बराबर ही है, इसलिए वाकई ऐसे बेशुमार ग्रह हैं जहां नए सिरे से जीवन शुरू हो सकता है। 50 साल की खामोशी के बावजूद सेथ को भरोसा है कि एक न एक दिन वो उनसे संपर्क जरूर करेंगे। अगर हमें कोई संकेत मिल गया तो शायद अब तक की सबसे दिलचस्प साइंस स्टोरी बन जाएगी। सौर मंडल के पार जीवन की खोज हमारे ब्रह्मांड के अकेलेपन को खत्म कर देगी। क्या आप उस एहसास को जानते हैं? जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। गैलेक्सी में दूसरे जीव के बारे में जानकारी इस बात पर बहुत असर डालेगी कि मैं खुद को किस तरह देखती हूँ और इस ग्रह के दूसरे मनुष्यों के साथ मेरे संबंध कैसे हैं। एक चीज जिसकी तरफ आपको ध्यान लगाना चाहिए वो ये कि हम पृथ्वी से किस तरह जुड़े हुए हैं। हमारी केमिस्ट्री, हमारी बायोलॉजी इस जगह से मेल खाती है। अगर हम दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो हम शायद पौधों को खाने में भी सक्षम हो सकें। तो आपको ये सोचना होगा कि आप कितने सांसारिक प्राणी हैं। हमें बहुत नम्र होना पड़ेगा जब बात आती है पृथ्वी के बाहर जीवन ढूंढने और उससे संपर्क करने की। ये उस समय के लोगों की सोच में क्रांति आने वाली बात होगी, लेकिन लोगों की उस पीढ़ी की जगह बहुत जल्दी ऐसी नई पीढ़ी ले लेगी जिनके लिए एलियन लाइफ बहुत ही मामूली बात होगी। अनदेखी दुनिया की खोज हमें नजर आते ब्रह्मांड की छोर तक ले जाएगी। हमें अपनी गैलेक्सी में पृथ्वी के नए जुड़वां ग्रह मिलेंगे और हम अपने खुद के सौर मंडल में अनोखे चांदों की खोज करेंगे। अगर वहां एलियन जीव हैं, तो उनके मिलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बशर्ते वो पहले हमें न ढूंढ लें।